पर देसी स्क्वाड, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है। आज देखे मेरे साथ मेरे वाल साहब AKA चाचा छामा बैठे हुए हैं। अबा जी किथे रहंदे हो, नजर ही नहीं आंदे। ਸੀ ਅੱਜਕਲ ਆਫ ਸੀਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਫ ਸੀਨ? ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਰਸਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਨ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਾਊ ਸ਼ਾਊ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਬਾਊ ਸ਼ਾਊ ਕਰ ਰਹੇ? ਬਾਊ 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 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇ, ਮੋੜ ਬਾਊ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਏ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਾਊ ਬਾਊ ਬਾਊ। हाँ बस इधर घूमने के लिए जा रहे हैं, बकरा शकरा पढ़ने जा रहे हैं। बकरा शकरा। तो जनाब आज सीन ये है कि आज हम जा रहे हैं बकरा शकरा खाने, क्योंकि हमारे नेबर्स ने दिया है फेयरवेल पार्टी, हमारे लिए फेयरवेल पार्टी दी है जी। और बड़ा ही उन्होंने कहा है कि जबरदस्त प्रोटोकॉल के साथ आपको हम बकरा खिलाएंगे। दुम्बा प्रोग्राम बने जी साडा। तो आज हम बॉयज नाइट आउट, उर्दू स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग। चलो तुसी दसो कमेंट सेक्शन के केड़ी जबान बोलनी चाहिए, चलो वोट ला लेने की ख्याल। रोटी शोटी रोटी छोटी नहीं, रोटी छोटी रोटी। पंजाबी बोला करो मुंडे, हो पंजाब के जवान बनना तुसी, सेहतां तां तुहाडियां बकरी वर्गी ही हल। वैसे समझ आ गई गल नहीं कि नहीं? हसन डे ऐसे हसी जा रहे हो यार, गल्लां दा जवाब दियो। क्यों भाई किथे जा रहे हैं आपां? थले दिन लगा सानू। ते ये आए हैं जी हम निसार चरसी कढ़ाई। निसार क्या है? चरसी टिक्का। निसार चरसी टिक्का। बड़ा माहौल शौल है, बकरे शकरे टंगे ने उन्होंने, सानू ना टंग देना। चले जी, ये है जी छितर कबाब है, छितर कबाब, ये चपली कबाब है सर जी, चपली कबाब है भैया, हाय हाय कबाब हाय। ये जी हमारे प्यारे फखर भाई। फखर भाई क्या हाल है? ठीक है, all the best, ये all हमारे नेबर्स भी हैं, हमारे क्रिकेट राइवल भी हैं, फ्रेंड भी हैं, फ्रेंड भी हैं, फखर भी महसूस करते हैं, फखर भी महसूस करते हैं। तो पता कैसे खेलते हैं? परदेसी स्क्वाड वर्सेस देसी स्क्वाड। इतना हैवी राइवलरी मैच होता है, जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा होता ऐसे ही है, और लास्ट बॉल तक जाता है, इंटेंस माहौल है, इंटेंस माहौल है। तो आज थैंक यू करना चाहूंगा, आपने फेयरवेल पार्टी रखी है हमारे लिए स्पेशल पार्टी, लेकिन आप आते रहिएगा इंशाल्लाह, हम बहुत मिस करेंगे, सारे आपके फैन हैं, हम भी आपके फैन। नहीं नहीं थैंक यू मेरे जान। ये जो बच्चा है ना माशाल्लाह, बड़ा लिस्सा जो है, तो थोड़ा जा पाया करो, ओड़ा की पाई जाता है, ए की होता बाबा जी।
आ गए जी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कहना बहुत ही सोहना लग रहा निज़ाम। हाँ जी अबा जी मैं क्या बकरा आ गया जे की करना जे हूँ हाँ जी सुबान भूख लग रही है सुबान को लगता है बेचारा कब से इंतजार कर रहा है। 8 kg मीट मेरा बकरा है विद 3 kg राइस है इसमें जो तैयार हुआ है स्टीम में। अच्छा ऑलमोस्ट 4 hours का इसका मेकिंग टाइम है एंड यू विल एंजॉय दैट। थैंक यू जी। ले गाइस अभी आपको हम खा के बताते हैं इसका रिव्यू देते हैं भी माउथ में जो है ना पानी पानी हो गया। इधर भी देख इसको हम खाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या रिव्यू है। लो जी अबा जी चक दो लत्तां बकरे दियां। हेलो हाय 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 आए हाय 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 हाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ले जी माशाल्लाह बकरा जेड़ा असी खा गए हैं ते हुन देखदे हैं किथे कोई फलूदा शलूदा खान दा दिल चाह रहा है मेरा इस टाइम लेकिन हुन लभ रहे हैं किथे कोई जगह मिल जाए सानू। पता नहीं चौड़ा हो रहा है यार फेयरवेल पार्टी फिर होना तो बंद है चौड़ा समझिया करो ना फिर जो मिठा खावांगे तो फिर असी शुगर फिर बैजा हो जाएगी साड़ी बैजा हो जाएगी तो शुगर दी क्लोजा हो जाएगी। जगह है चिक बड़ी के नाम पे इधर हम आए हैं और मीठा हमने मंगवाया अभी गुलाब जामुन आइसक्रीम और साथ चाय। हाँ इसमें लिए थानू पता जरूरी है जो गोरे होते हैं ना वो कहते हैं गुलाब जामुन विद आइसक्रीम प्लीज। गुलाब जामुन विद आइसक्रीम का जो डिस्प्ले होता है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जब उसको देखते हैं ना तो थोड़ा सा हंसी आ जाती है। जब हम केटरिंग का काम करते थे तो हम अपने जो असिस्टेंट थे उनको बिल्कुल हम उनको गाइडलाइन देते थे उनको डिस्प्ले सिखाते थे कि 2 स्कूप आइसक्रीम के जो है ना वो साइडों पे रखने हैं और 2 जो गुलाब जामुन है ना वो जोड़ के दरमियान में। स्टॉप इट Get some help. चाचा छामा बहुत नॉटी हो गए हैं, बहुत नॉटी हो गए हैं। माशाल्लाह। Please don't try this at home. Try this at home. मेरा लैंच लगा है तो थोड़ा गुड मॉर्निंग परदेसी स्क्वाड। ओए होए 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 आज तो इतनी गर्मी है इतनी गर्मी है। वैसे भी आज हमारा यहाँ पे आखिरी दिन है और यही सोच रहे होंगे आप आई नो अब यही सोच रहे हैं कि राहिम भाई आप किधर जा रहे हैं क्या चल रहा है फेयरवेल पार्टी हो रही है क्या सीन है। आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे लेकिन अभी के लिए मैं आपको यही बता सकता हूं कि यहां से हम जा रहे हैं और आप गैस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि हम आगे कहां जा रहे हैं। व्लॉग्स देखते जाएं सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और आज एक और खुशी का मौका है वो मैं आपको अंदर जाके बताता हूं। आ जाएं बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। इसने कुरान मजीद मुकम्मल ख़त्म कर लिया है अभी 30वें पारे का निसफ पारा जो है इसने कंप्लीट कर लिया है हिफ्ज़ पे। ये दोनों सेम टू सेम है मतलब दोनों जो है ये भी 12वें पारा पढ़ रहा है और ये भी 12वें पारा पढ़ रही है और दोनों ने 30वें पारे का एक पाव जो है उन्होंने याद कर लिया है हिफ्ज़ पे। माशाल्लाह वेरी गुड। जा रहे हैं तो अब आप इनको ऑनलाइन पढ़ाया करेंगे? हाँ इंशाल्लाह मैं इनको ऑनलाइन पढ़ाऊँगा और भी अगर कोई ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। इजी यस्तुरु नास व अश्तातल लियुरु अमालहुम फमया मिल मिसकाल जर्रत खैरन यरा व मया मिल मिसकाल जर्रत शैरन यरा। माशाल्लाह वेरी गुड। ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
ले जी, आज माशाल्लाह सुबहान का करामजीद ख़त्म हुआ है और बच्चों ने भी अपना सबक सुनाया है। मैं इनको बस ये एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ ये ख़त्म कुरान नहीं होता कभी भी, ये वर्ड ही रॉन्ग है। तकमील कुरान होता है, तो तकमील कुरान जो होता है ना, जब इसको मतलब ख़त्म भी आते हैं तो इसको दोबारा शुरू करना होता है, तो जस्ट टू बी ए कंटिन्यू है ना, तो इसको कंटिन्यू रखना है। नमाज भी साथ साथ जारी रखनी है, तो नमाज कुरान पढ़ते रहिए तो लाइवली ज़िंदगी को गुजारें। जो बंदा नमाज कुरान की पाबंदी नहीं करता उसका दिल जो होता है ना वो डेड हो जाता है, मर जाता, मुर्दा दिल होता है। तो इसलिए इसको अपने हार्ट को ज़िंदा रखने के लिए, अपने आप को लाइवली लाइफ को गुजारने के लिए ज़रूरी है कि आप नमाज कुरान को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो ये इट्स अ मैसेज फॉर एवरीवन, प्लीज़। तो सब के लिए दुआ करता हूँ, अपने लिए भी, सब के लिए भी, अल्लाह पाक हम सब को इस पर कंटिन्यू रखे कुरान। आमीन। और माशाल्लाह मैं अभी 23 इयर्स से कुरान को तरावी में सुनाता हूँ हर साल, तो इसलिए पता नहीं ये मेरी दुआओं का नतीजा कि ये बच्चे हमारे, मेरे जो पोते हैं, ये माशाल्लाह ये पोते ये बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, आज मैंने सुना है। तो अल्लाह ताला इनको तौफीक दे के ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंटिन्यू रखें और इस पर अमल भी करें, इसको समझ कर पढ़ें। इसका नेक्स्ट स्टेप है इसको समझ के पढ़ना, तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई एनीवे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच एवरीवन, और हम आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में, और हम सब की तरफ से ईद मुबारक।